प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम मनु को पढ़ेंगे। सबसे पहले मनु का सामान्य परिचय जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की परंपरा में मनु की रचना मनुस्मृति का विशिष्ट महत्व है। इस ग्रंथ को मानव धर्मशास्त्र मनु संहिता भी कहा जाता है। मनु मूलतः धर्मशास्त्री और उन्होंने धर्मशास्त्र के एक प्रमुख अंग के रूप में राजधर्म राजशास्त्र की विवेचना की है। मनु से संबंधित सामान्य परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले मनु का परिचय, उसकी मनुस्मृति का रचनाकाल और मनुस्मृति की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। धर्मशास्त्री राजशास्त्री मनु कौन थे और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति की रचना कब की, इतिहास की दृष्टि से ऐसे प्रश्न हैं जिनका स्पष्ट और पूर्ण निश्चित उत्तर दिया जाना तो संभव नहीं है। भारतीय धर्म पुराण राजनीति साहित्य संबंधी प्राचीन जो भारतीय ग्रंथों में मनु का उल्लेख अनेक श्रेष्ठ रूपों में हुआ है और इनके आधार पर कोई निश्चित मत निकाला भी जाना संभव नहीं है। ऋषि दयानंद के अनुसार मनुस्मृति की रचयिता महर्षि स्वयंभू मनु है, जो सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं। और ये उल्लेखनीय है कि स्वयं इस ग्रंथ में तीनों स्थानों पर मनु की वंश का उल्लेख भी किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि मनु ब्रह्मा के पुत्र या शिष्य हैं। परंतु मनुस्मृति के कुछ विचारक विद्वान इस मत को भी नहीं मानते हैं। मनुस्मृति की रचयिता स्वयंभू मनु नहीं अपितु वैवस्तु मनु मानते हैं। आधुनिक काल के विभिन्न विदेशी और भारतीय विद्वान भी जो विद्वान हैं वे मनु की परिचय और मनुस्मृति की रचना काल के बारे में असहमत हैं। उनका आपस में विचार नहीं है। मनुस्मृति के रचना काल के संबंध में केपी जायसवाल ने 200 ईसा पूर्व बाद की रचना बताया है, जबकि विदेशी विचारक मैक्स मुलर का मत है कि 500 वर्ष बाद की ये रचना है। आधुनिक युग में मनुस्मृति के बारे में ये भी मत पर्याप्त रूप से प्रचलित है कि संपूर्ण ग्रंथ की रचना किसी एक निश्चित विद्वान द्वारा नहीं की गई और ये संपूर्ण ग्रंथ किसी एक निश्चित काल में भी नहीं लिखा गया है। इस मत के अनुसार प्राचीन भारत के मानव संप्रदाय संबंधी मनु नामक एक विशेष पदवी को धारण करने वाले विधिवेताओं के संयुक्त या मिले जुले प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उपलब्ध मनुस्मृति की रचना हुई है। अब देखते हैं मनुस्मृति की विषय वस्तु। मनुस्मृति की विषय वस्तु की प्रकृति से मनुस्मृति एक धर्मशास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु और चिंतन धर्म और नीति से प्रभावित है। इसने राजनीति को धर्म के एक अंग के रूप में मान्यता दी है। मनुस्मृति ने व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और पूर्णता को चार परंपरागत पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में स्वीकार किया है। मनु की दृष्टि से संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों को और कुल श्लोकों की संख्या 2694 है। इन 12 अध्यायों में निम्नलिखित विषयों को विस्तार से विचार किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, जाति कर्म आदि संस्कार विधि, पंच महायज्ञ नित्य श्राद्ध विधि, गृहस्थ आश्रम के नियम, भक्ष अभक्ष पदार्थ संबंधी विचार, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम पर विचार, व्यवहार का निर्णय, कर व्यवस्था आदि राजधर्म का विवरण, साक्षियों से प्रसन्न विधि, स्त्री पुरुष का धर्म, परिवार में संपत्ति विभाजन तथा आपातकाल के कर्तव्य और धर्म, पाप से मुक्ति हेतु प्रायश्चित विधान, मोक्ष पद की प्राप्ति हेतु आवश्यक आत्मज्ञान। आज हम संक्षिप्त में मनु के धर्म संबंधी विचारों को जानेंगे, उसके बाद हम मनु के सामाजिक विचारों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। मनु मूलतः धर्मशास्त्री हैं और उनके समस्त सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चिंतन का आधार धर्म है। अतः मनुस्मृति में निहित मनु के धर्म संबंधी विचारों का आधारभूत महत्व है।
मनुने धर्म शब्द का प्रयोग संप्रदायवादी या पंथवादी दार्शनिक अवधारणा के अर्थ में नहीं किया, अपितु उन्होंने वैदिक दर्शन की मान्यता के अनुसार ही धर्म की व्यापक अवधारणा को स्वीकार किया है। संपूर्ण सृष्टि रित के अधीन है और मानव समाज में रित का व्यवहारिक रूप ही धर्म है। मनु के अनुसार धर्म शब्द की उत्पत्ति द्रह धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। अपने मूल रूप में धर्म का अर्थ ऐसा विशेष गुण जिसे धारण करने के बाद ही कोई जड़ चेतन अपने अस्तित्व को न केवल बनाए रखता है अपितु अपने वास्तविक आदर्श रूप को भी प्राप्त करता है। इस विशेष गुण के कारण ही वह जड़ और चेतन अन्यों से विशिष्ट लक्षण वाला होता है। इसका सरल अर्थ यह है कि उपरोक्त विशेष गुण के अभाव में उस जड़ या चेतन की विशिष्टता का नाश हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हम उदाहरण से इसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अग्नि का विशेष गुण उष्णता और प्रकाश है, जिसे धारण करने से ही हम उसे अग्नि कहते हैं। यदि अग्नि अपने उपरोक्त विशेष गुण का त्याग कर दे तो अग्नि नहीं रहेगी, अर्थात उसके अस्तित्व का नाश हो जाएगा। इस प्रकार अग्नि अपने धर्म के कारण ही अग्नि होती है, इसके अभाव में नहीं। मनु के अनुसार मनुष्य के लिए भी ऐसे विशेष गुणों को धारण करने की जरूरत होती है, जिनके धारण करने से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा मनुष्य पशुतुल हो जाता है। मनुष्य के प्रसंग में ऐसे विशेष गुण ही मनु ने मानव धर्म कहा है। ये उल्लेखनीय है, मनुष्य के समान ही उसके समुदायों का भी धर्म होता है, जिसे धारण करके ही कोई समुदाय अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है। मनु ने अपने समस्त धार्मिक चिंतन का आधार सांख्य दर्शन को बनाया है। मनु के अनुसार सृष्टि की कर्ता शक्ति ब्रह्मा है, जिसने अहंकार व अपने महत्व को अपने अधीन करके सृष्टि को रचा है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश और पंच तंत्र मात्राओं जैसे गंध रस रूप स्पर्श और शब्द से हुआ है। अब देखे हैं धर्म का व्यवहारिक अर्थ और प्रकार। मनु ने धर्म का सामान्य अर्थ मनुष्य के ऐसे कृत्य माना जो मनुष्यत्व प्रदान करते हैं, किंतु सामाजिक संगठन के संदर्भ में मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग व्यक्ति के सामाजिक दायित्व एवं कृत्यों की पूर्ति के अर्थ में किया है, तथा राजनीतिक प्रशासनिक संदर्भों में धर्म शब्द का प्रयोग विधि न्याय आदि के अर्थ में, अथवा राजा की दंड शक्ति प्रभुसत्ता पर नैतिक अधिबंधन या नियंत्रण के अर्थ में किया है। मनु ने मानव जीवन के प्रसंग में धर्म के दो प्रकार स्वीकार किए हैं, सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म। सामान्य धर्म संबंधी विचार मूलतः धर्म की निरपेक्ष धारणा पर आधारित है। मनुस्मृति में वर्णित ईश्वर प्रकृति आत्मा सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय आदि से संबंधित विचार इन पर आधारित मनुष्य के सार्वलौकिक कृत्यु सामान्य धर्म का ही अंग है। मनु ने मनुष्य के सार्वलौकिक कृत्यों में सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह सोच इंद्रिय निग्रह आदि के पालन को सम्मिलित किया है। मनु का विशिष्ट धर्म संबंधी विचार मुक्त धर्म की सापेक्ष अवधारणा पर आधारित है। विशिष्ट धर्म को व्यक्ति के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में प्रकट किया गया है। ये देश काल स्थितियों के अनुसार विभिन्न रूपों वाला हो सकता है। मनु ने विशिष्ट धर्म के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे वर्ण धर्म आश्रम धर्म स्त्री पुरुष धर्म स्नातक धर्म देश धर्म गण धर्म कुल धर्म जाति धर्म ग्राम धर्म आदि बताए हैं। मनु के अनुसार धर्म और राजनीति के बीच में क्या संबंध है? एक धर्मशास्त्री के रूप में मनु ने धर्म को साध्य और राजनीति को साधन के रूप में स्वीकार किया, किंतु धर्म और राजनीति के सैद्धांतिक और आदर्शवादी संबंध के साथ ही मनु ने व्यवहारिक और यथार्थवादी रूप में इन दोनों को एक दूसरे का रक्षक और सहयोगी भी माना है। मनु ने धर्म को सांप्रदायिक शक्ति के रूप में नहीं स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने आधुनिक अर्थ में किसी संप्रदाय या धर्म राजतंत्र की स्थापना नहीं की। मनुस्मृति में धर्म और राजनीति राजा की दंड शक्ति के पारस्परिक संबंधों को व्यापक संदर्भों में स्वीकार किया। धर्म उन सामाजिक और नैतिक मूल्यों व मर्यादाओं की स्थापना करता है जो एक ओर राजा को स्वेच्छाचारी निरंकुश होने से रोकते हैं और दूसरी ओर उसे प्रजा पालन की नीति अपनाने की प्रेरणा देते हैं। धर्म की मर्यादा ही राज्य को जनहित संवर्धक संस्था बनाती है। राजनीति
तथा अथवा राजा की दंड शक्ति पर धर्म के इस नैतिक और मूल्यात्मक प्रभाव के कारण ही मनु ने राजनीति को राजधर्म कहा है। मनु ने राजनीति का मुख्य आधार धर्म को ही स्वीकार किया है। धर्म राज्य के कृत्यों को प्रकट करता है और धर्म ही कभी विधिक सत्ता और कभी नैतिक सत्ता के रूप में राजा की दंड शक्ति का नियंत्रण करता है। किंतु इसके साथ ही मनु के विवरण से ये भी प्रकट होता है कि मानव समाज में स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए धर्म भी राजनीति पर निर्भर करता है। राजा की दंड शक्ति धर्म की रक्षक होती है। इसी तथ्य के कारण राजा को दंडधर कहा गया है। संक्षिप्त में दंड अर्थात राजसत्ता के अभाव में स्वयं धर्म का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। मनु के अनुसार दंड के भय से कोई भी अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करता। स्मृतियों का मत है कि दंड की चारों आश्रमों के धर्मों के पालन होने की गारंटी है। विद्वान लोग दंड को धर्म मानते हैं। संसार में सदाचारी मनुष्य बहुत कम है। वे दंड द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले जाने पर ही सन्मार्ग पर चलते हैं। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि राजसत्ता का आधार धर्म है और इसके साथ ही समाज में भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए राजसत्ता पर निर्भर करता है। वास्तव में धर्म और राजसत्ता की यह घनिष्ठता ही राजसत्ता की उत्पत्ति और प्रकृति को दैवीय बना देती है। अब हम सामाजिक विचार मनु के सामाजिक विचारों पर चर्चा करेंगे।